हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। हुआ ये कि हम लोगों के यहाँ पर अभी काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और अभी सोचिए 6 तारीख से 26 तारीख होने वाली है और 26 तारीख तक के रहेगा। पहले तो ये था कि 6 तारीख से 14 तारीख तक के रहेगा, फिर 14 से हुआ 19 तक, फिर 19 से 26 कर दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ नहीं पता है। और यहाँ तक कि टोटल लॉकडाउन था 6 तारीख, हम लोग 4 तारीख से सब्जी वगैरह नहीं लिया था, तो कितनी लेता इंसान? ये है ना कि बस आप एक हफ्ते की सब्जी लेंगे, बाकी ना आलू ख़राब हो जाएंगे, सब्जी ख़राब हो जाएंगी, धनिया मिर्ची कुछ है, और हम लोगों के रोज़े चल रहे, तो हम लोगों को तो काफ़ी चीज़ें लगती हैं। धनिया मिर्ची ये तो डेली का है कि आपको लगना ही लगना है, तो बस इसी वजह से, बस इसी तरह से परेशानी है। फल नहीं मिल रहे थे, अभी जो 19 तारीख के बाद से फिर दिया गया कि आप जो सब्जी वाले हैं वो एक जगह पे खड़े होके नहीं बेचेंगे, जहाँ घूम घूम के दरवाजा दरवाजा जाएंगे और बेचेंगे। तो अब क्या है, सोसाइटी में तो इधर नहीं आते अंदर, तो हम लोगों को बाहर जाके लेके आना पड़ता है। तो हम लोग ने फिर हुआ ये था कि हमें कहीं से कुछ सब्जी मिल रही है, फिर आगे जाओ तो फिर दूसरी सब्जी, ऐसा करके हम लोग को इस तरह से मिले। बट आज जब गए थे हम लोग, तो आज थोड़ा हम लोगों को थोड़ा सा फल भी जो थे, तो नहीं तो सिर्फ एक तरबूज और खरबूजा मिलता था, उसके अलावा कुछ नहीं। आज सब फल वगैरह सब थे। अब देखिए कब तक के ये सब चलेगा। बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों के छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा केसेस हो गए थे और बहुत परेशानी हो रही थी। एक एक दिन में 2500-2500 सिर्फ दुर्ग में हम लोगों के यहाँ। और अब जाके जो है तो वो समझे 1700-1800 आ रहे हैं, ये अभी भी बहुत है। अब देखिए ये कब तक चलता है, तो बस दुआ करें आप सब लोग कि बस सब तरफ अच्छा अच्छा माहौल रहे। और बहुत ज़्यादा बहुत मारा मारी चल रही है, बहुत ज़्यादा ना हॉस्पिटल में जगह है ना कहीं है, तो बहुत ज़्यादा। तो आप सब लोग बस दुआ करिए कि सब अच्छे अच्छे दुआ में याद रखिए और सब अच्छे हो जाएं, बस यही चाहते हैं हम सब। चले अवतार की तैयारी करते हैं और आज अवतार में बनाएंगे छोले, वो भी खट्टे मीठे छोले जो बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं, तो और उसके साथ में कस्टर्ड। तो फिर तैयारी करते हैं। ये देखिए छोले वाले चने हैं और इसे भिगो दिया था रात में और अभी से उबालने के लिए चढ़ाएंगे। और ये अच्छे तरह से भीग चुके हैं और इसे धो लिया 2-3 पानी से और ये पानी से बंद इसमें उबालने चढ़ाएंगे। और ये आलू है, इसको भी साथ में डाल देंगे उबलना। अब इसमें नमक डाल देंगे, ये देखिए ये दूध बॉईल हो रहा है, ये करीब 1 लीटर से ज्यादा है थोड़ा, तो इसे गरम करेंगे। और ये गरम हो रहा है और ये जो बाउल में निकला है ये ठंडा दूध है, ये जो पाउडर है जो कस्टर्ड पाउडर है इसको ठंडे दूध में मिक्स करेंगे। ये देखिए पाउडर डालेंगे अब इसमें, और गरम दूध में इसलिए नहीं डालते क्योंकि उसमें गुठली बन जाती है, मतलब डल्ले डल्ले आ जाता है, तो ये देखिए इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। अभी और लगेगा, अरे और अच्छा पाउडर डालना चाहिए जिससे कस्टर्ड गाढ़ा होता है, और ये कस्टर्ड पाउडर कम डालेंगे तो कस्टर्ड पतला हो जाता है, जब पतला होता है तो टेस्ट नहीं आता। ये देखिए मिक्स हो गया है, अब ये इसे इसमें डाल देंगे। अब इसे चलाते जाएंगे और ये धीमी आंच में रखेंगे इसे, और ये देखिए चलाते हुए धीरे धीरे चलाएंगे,
ऐसे करीब 5 मिनट चलाने के बाद में ही इसमें शक्कर डालेंगे। ये देखिए चने में डालने के लिए से ये इमली है, थोड़ी ली है, और इसमें गुड़। अब ये खट्टा मीठा चना बनता है, थोड़ा अंदाज से ज्यादा गुड़ लेते हैं ना वो कम लेते हैं, इमली कम देंगे बस। अब इसको भीग पानी डाल के देखिए इतना पूरा भीग जाए इतना पानी डालेंगे इसमें, ये ढांक के रख देंगे इसको। अब देखिए ये बन चुका है और अब इसमें शक्कर डालेंगे, अपने हिसाब से डाल सकते हैं आपको, अगर ज्यादा मीठा चाहिए तो आप ज्यादा शक्कर डालिए और नहीं है तो कम डालिएगा। हम लोग मीठा ज्यादा खाते हैं इसलिए हम लोग ज्यादा डाल रहे हैं। अब इसे पकने देंगे 2 मिनट। ये बन चुका है और अब इसे इसकी गैस बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसमें फल वगैरह डालेंगे, जो भी आप डालना चाहें, जैसे फल में अनार है, सेब है, अंगूर है, केला है, ये सब डाल के बनाते हैं। और सिर्फ केला वाले भी बनते हैं, जो इसमें सिर्फ केले डाल के आप बना लेते हैं वो भी अच्छा लगता है। तो बस अब इसका ये ठंडा होगा तब इसमें फल डालेंगे और आपका कस्टर्ड फिर तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब चलो ये चना हो चुका है, ये बंद कर दिए हैं और अब चना बघारेंगे। तो ये इसमें इतना तेल डल चुका है, ज्यादा नहीं लगता है बस। अब इसमें जीरा डाल देंगे, और ये प्याज है चॉपर से चॉप कर लिया था, और ये हरी मिर्च है, और ये मीठी नीम है। तो अब इसको प्याज को तेल में डालेंगे, साथ में ये हरी मिर्च और मीठी नीम। इसे अब अच्छी गुलाबी होते तक के भून लेंगे, फिर इसमें दूसरे मसाले डालेंगे, अभी कुछ नहीं डालेंगे। चलिए अभी इसे कुकर को खोल के देखते हैं कैसा गला कि नहीं गले चने, ये तो खुल नहीं रहा। गल तो चुका है लेकिन थोड़ा बहुत और गल जाता तो अच्छा था, तो फिर से लगा देते हैं इसे। देखिए अब गुलाबी हो रही है, मतलब यानी भून गई है, अच्छे से भून जाएगी तब फिर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये हल्दी, ये धनिया, और ये मिर्ची। करीब से 10 मिनट भून लेंगे और इसमें नमक डाल देते हैं। ये देखिए ऐसे आलू को पीस कर लिए, अब इसको इसमें डाल देंगे। अब ये चना भी है इसे डाल देंगे।
खुशबू आ रही है अच्छी। रमजान में खुशबू ही खुशबू होती है भाई सबके किचन में। देखिए ये ठंडा हो चुका अच्छी तरह से, और अब इसमें ये फल मिला देंगे। इसमें ये सेब है और ये अनार है और ये अंगूर है, इसको मिक्स कर देंगे। इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है कस्टर्ड। ये देखिए अभी भीग चुकी थी, वैसे और भीगना था लेकिन टाइम नहीं है इस वजह से जल्दी से निकाल लेते हैं, और यही पानी को फिर छेने में डालेंगे। ये पानी ऐसा इसमें डाल देंगे, घुला नहीं है। इसमें पकाते पकाते गुड़ घुल जाएगा। और ये इसमें पिसा जीरा, अब ये जब गाढ़ा हो जाएगा पक के तब फिर इसे बंद कर देंगे। ये देखिए ये ऐसा बन गया, और अब ठंडा होगा और तो और अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। ये मैंगो शेक बनाते हैं, तो ये आम काट चुके थे, इसमें शक्कर डाले, शक्कर थोड़ी और डालेंगे क्योंकि खट्टे होते हैं अभी के तो आम। पहले थोड़ा सा दूध डाल के मिक्सी चलाएंगे, फिर उसके बाद और शेक बन चुका है। अब इसे गिलासों में निकालेंगे, और गिलासे ये दो तरह की हो गई हैं क्योंकि गिलासे हो गई हैं फूट गई हैं, और लॉकडाउन चल रहा है तो सब दुकानें भी बंद है इसलिए जा नहीं सकते हैं। और ये दूध की गिलास है, डेली यूज होती है, और बस ये दो बची हैं, तो बस अलग अलग तरह की गिलास दिख रही है आपको। देखिए टेबल पे लगा चुके हैं, और अभी टाइम है 10 मिनट 15 मिनट करीब है, तो अब सब वजू वगैरह बना के आएंगे और फिर बैठते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक है अल्लाह हाफिज़।